हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। इंग्लिश T20 ब्लास्ट में आज होने वाले हैं टोटल करीब 8 मैचेस, तो उनमें से दो मैचेस तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो दो मैचेस आपको आई बटन पे अभी मिल जाएंगे। आई बटन पे क्लिक करोगे या फिर पॉपअप हो रहा होगा आई बटन अभी, तो उस पर वो दोनों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो वो दोनों वीडियोज़ आप देख सकते हो, देखना चाहते हो तो। ये वाली जो वीडियो है वो है ग्लेन मॉर्गन वर्सेस सॉमरसेट की। देखिए, ग्लेन मॉर्गन ने तो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और सॉमरसेट ने कल ही अपना स्क्वाड अनाउंस करा था, क्योंकि कल उनका मैच था एक, तो मोस्ट प्रोबेबली वही प्लेइंग 11 खेलेगी। कोई चेंज नहीं है, कोई टीम में नया प्लेयर नहीं आया है। अभी स्क्वाड वो फिर से अनाउंस करेंगे शायद मैच से पहले, तो वो भी आपको ट्विटर अकाउंट पर रीट्वीट कर दूंगा। फेसबुक पेज पर अगर मिलता है तो मैं फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दूंगा उसकी इमेज, और नीचे कमेंट सेक्शन में बता दूंगा अगर कोई चेंज होता है तो। वैसे तो कोई चेंज नहीं होने वाला सॉमरसेट में, और ग्लेन मॉर्गन की स्क्वाड आपके सामने है। यहाँ पर स्क्वाड बता दो, जो बर्न्स टीम के अंदर आए हैं, क्योंकि शॉन मार्श जो है वो वापस जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं खेलने वाले, तो जो बर्न्स खेलेंगे इस वाले मैच में, और वो खेलेंगे लॉयड की जगह पे। डेविड लॉयड नहीं है स्क्वाड के अंदर, आप देख सकते हो। इससे पहले वाला मैच शॉन मार्श नहीं खेले थे, तब जो बर्न्स नहीं आए थे, जो बर्न्स आ चुके हैं तो लॉयड नहीं खेलेंगे, तो वो सारी बातें हम नीचे प्लेइंग 11 में भी करेंगे। तो अब देखते हैं मैच जो होने वाला है, वो होने वाला है सोफिया गार्डन कार्डिफ पर, जो कि ग्लेन मॉर्गन का होम ग्राउंड है। यहाँ पर लास्ट T20 मैचेस जो मैच हुआ था वो हुआ था ससेक्स वर्सेस ग्लेन मॉर्गन का, जिसमें ससेक्स ने मैच जीत दिया था वाला बहुत इजीली। रन यहाँ पे अच्छे खासे बने थे, इंग्रम ने 81 रन करे थे, लॉयड ने करे थे 33 रन, फिर राशिद खान को दो विकेटें मिली थी, आर्चर को एक विकेट मिली थी। 173 का टोटल इन्होंने इनको 174 का टारगेट ससेक्स को दिया था। फिर ससेक्स ने 177 रन 18 ओवर्स में ही लगभग कर लिए, जिसमें लूक राइट ने 88 रन करे, लॉरी एवेंस ने 65 रन करे, माइकल होगन को एक विकेट मिली थी और ग्रैम वैक को एक विकेट मिली थी। एक मैच यहाँ पर इंडिया का भी हुआ था, इंडिया इंग्लैंड का आपको याद होगा, 145 के करीब इंडिया ने रन बनाए थे, और वो भी इंग्लैंड ने चेस कर लिए थे, वो भी लास्ट ओवर में ही करे थे, तो ऐसा भी हो सकता है थोड़ा लो स्कोरिंग मैच भी। आप कहीं ना कहीं 165-170 का रन यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं इस वाले मैच में। वेदर जो रहने वाला है मोस्टली सनी रहने वाला है, बारिश वारिश नहीं होगी। अब सीधा प्लेइंग 11 की तरफ चलता हूँ, तो उस्मान ख्वाजा, ये प्लेइंग 11 है यहाँ पर ग्लेन मॉर्गन की। उस्मान ख्वाजा डोनाल्ड ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे कॉलिन इनग्रम जो कि फॉर्म में चल रहे हैं बड़ी जबरदस्त। एक तो कैंट के जो डेनली बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और एक ये ग्लेन मॉर्गन के कॉलिन इनग्रम, ये जो दो प्लेयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, नंबर 3 पे खेलते हैं और बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो इनको कभी भी मिस मत करा करो अपनी टीम में। अब नंबर 4 पे खेलेंगे जो बर्न्स, किरण कार्लसन होंगे। नंबर 5 पे फिर क्रिस कोक होंगे। नंबर 6 पे जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे। नंबर 7 पे ग्रैम वैग। नंबर 8 पे एंड्रू सॉल्टर। नंबर 9 पे क्रेग मैस्कैडे होंगे। नंबर 10 पे होंगे टिम वैंडरगुप्टन, और नंबर 11 पे माइकल होगन। तो ये होने वाले रुदिरी स्मिथ हैं करके, और एक लॉलर हैं जेरेमी लॉलर करके, तो इनको भी स्क्वाड में अनाउंस किया गया है, तो इनको भी टीम के अंदर लाया जा सकता है। अब सॉमरसेट का अनाउंस, जो कि कल वाला स्क्वाड था, जो कि मिडिलसेक्स के अगेंस्ट वाला मैच खेले थे और जीते भी थे, तो जीती भी टीम है, कोई चेंज नहीं करना चाहेगी। मायबर्ग स्टीव डेविस होंगे, जो भी मैं फिर बोलूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दूंगा। अगर आपने अब तक ट्विटर अकाउंट फॉलो नहीं करा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वो आपके लिए रह सकता है। यहाँ पर है पीटर ट्रिगो नंबर 3 पे, फिर जेम्स हिलरथ है, कोरी एंडरसन है, लुइस ग्रोगरी है, फिर टॉम एबल है, रॉले फंडमर्वे हैं, फिर है क्रेग ओवरटन, जेमी ओवरटन और मैक्स बॉलर। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 है और यही रहने वाली है, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। जॉश डेवी और पॉल वैन मैकरीन को शायद ही लेके आएँ। अब चलते हैं सीधा ड्रीम 11 की तरफ, क्या टीम बनाई है। स्टीव डेविस को लेना है, लिया हुआ है लास्ट मैच में, क्रिस कोक ने सिंगल हैंडेडली लास्ट वाला मैच जिताया, देख सकते हो आप उनके पॉइंट लास्ट वाला मैच मारा, तो मैच भी थे शायद इस वाले मैच में 47 पॉइंट, अच्छे खासे उन्होंने रन बनाए थे लास्ट वाले मैच में, तो यहाँ पर स्टीव डेविस को लेना सही रहेगा क्योंकि ओपन करने वाले हैं। लास्ट मैच में मैंने बोला था जेम्स हिलरथ तो लिए, लास्ट मैच में बोला था जॉन मायबर्ग को लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, चले नहीं है। मैंने बोला था 30-40 बॉले खेल गए तो बहुत कुछ कर जाएंगे, लास्ट मैच में मैंने तो मैच भी थे जो कि मिडिलसेक्स था, तो जॉन मायबर्ग को लिया हुआ है, डोनाल्ड को लिया हुआ है और जो बर्न्स को लिया हुआ है, तो ये 4 प्लेयर यहाँ से बन रहे हैं। मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा उस्मान ख्वाजा को लेना, जेम्स हिलरथ की तरह आप जगह आप ले सकते हो, ये एक ऑप्शन अच्छा बन रहा है। जेम्स हिलरथ की जगह आप उस्मान ख्वाजा को ले सकते हो क्योंकि ओपन करने वाले हैं उस्मान ख्वाजा और जेम्स हिलरथ जो है वो नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, उस्मान ख्वाजा या फिर जेम्स हिलरथ में से किसी एक को लेना है आपको। नीचे से लॉयड मत लेना, बिल्कुल नहीं खेलेंगे लॉयड। यहाँ से किरण कार्लसन एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, और यहाँ से एक ऑप्शन रहेगा टॉम एबल का। अब जो मैंने 4 प्लेयर हैं आपने देख लिए हैं, अब 3 जो ऑलराउंडर मैंने लिए हैं, कॉलिन इनग्रम को लिया, कोरी एंडरसन को लिया हुआ और लिया पीटर ट्रिगो को। यहाँ से ग्रैम वैग एक ऑप्शन बनेगा, क्रेग मैस्कैडी बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं कभी कभी, ये टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं, पिछले साल मैंने देखा था ये टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग कर चुके हैं, एज अ फ्लोटर इनको भेजा जाता था। यहाँ पर है रॉले फंडमर्वे जिन्होंने लास्ट मैच में 2 विकेट ली थी, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास बन रहा है। 3 जो बॉलर मैंने लिए हैं, लुइस ग्रोगरी को लिया हुआ है यहाँ से, माइकल होगन को लिया हुआ है और लिया है जेमी ओवरटन को,
क्योंकि 8 credit इसी प्लेयर के बच रहे थे। अगर 8.5 credit होते तो नो डाउट यहाँ से मैं क्रेग ओवर्टन के साथ जाता, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी नहीं, फिर भी मैं क्रेग ओवर्टन के साथ जाता। बहुत अच्छे बॉलर हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, इंग्लैंड खेल चुके हैं, तो नकली प्लेयर नहीं है, असली अच्छे खासे प्लेयर हैं। तो क्रेग ओवर्टन को मैं लेता, पर क्रेडिट नहीं था, इसलिए इनके भाई जेमी ओवर्टन को ले रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा देख लेते हैं। तो नो डाउट आंख बंद करके कॉलिन इनग्रम को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो सबसे सेफ ऑप्शन यही होगा और सबसे ज़्यादा बार लोगों ने इसी को ले रखा होगा। थोड़ा सा अलग करना चाहते हो तो ऑप्शन आपके पास मैं बता देता हूँ क्या रहने वाले हैं। अलग करोगे तो मायबर्ग को लेना, मैंने जैसे ही बोला 30-40 बॉल खेल गए तो फिर एक तरफा मैच करके जाते हैं ये। यहाँ से जो बर्न्स को भी ले सकते हो, जो बर्न्स अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो जो बर्न्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन वो बनेगा। और अगर चाहो तो उस्मान ख्वाजा को भी ट्राई कर सकते हो, आपको पता है ये प्लेयर क्या कर सकता है, बहुत सॉलिड प्लेयर है, उस्मान ख्वाजा को भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से बिल्कुल सेफ ऑप्शन दो हैं, जो है पीटर ट्रिगो और कॉलिन इनग्रम। तो ये दो ऑप्शन हैं। कोरी एंडरसन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लास्ट सारे मैचेस में अच्छा परफॉर्म उन्होंने करा है। मायबर्ग हैं, यहाँ से जो बर्न्स हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, स्टीव डेविस को भी ले सकते हो, ग्रैंड लीग में कैप्टन को भी बना सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।